मैं यहाँ पे आपको एज एग्जांपल इस सॉल्यूशन जो है मैं इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करता हूँ। क्वेश्चन आने के बाद भाई यहाँ पे आपको आंसर भी मिल चुका है। तो अगर आप भी यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं और आपको भी ऐसा एक गाइडेंस वाला एप्लीकेशन चाहिए जिसके हेल्प से जो है आप विदाउट यहाँ पे किसी प्रॉब्लम के किसी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाए, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी एक एप्लीकेशन के बारे में जो बात करने वाला हूँ। जब आपको किसी भी गाइडेंस की जरूरत हो और आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो कि आपको गाइड कर पाए, उस समय ये एप्लीकेशन आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। और मैं आपसे सबसे पहले बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन को आप तभी यूज करिए जब आपको लगे कि हाँ मेरे को ज्यादा जो है यहाँ पे अभी गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। और बाकी आप ज्यादातर यूज करिए अपने माइंड का ही, क्योंकि बिकॉज माइंड से ही यहाँ पे आप जो है काफी अच्छा आगे जो है कैलकुलेशन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे होता है ना कि जब बहुत ऐसे डीपली क्वेश्चन होते हैं जहां पे बिल्कुल हमको गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन की हेल्प भी यहाँ पे ले सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ इसी एप्लीकेशन के बारे में। काफी अच्छी एप्लीकेशन है जो कि मैथ को यहाँ पे सॉल्व करने वाला है। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस इतने हार्डली होते हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप जो है यहाँ पे कुछ जो है एप्लीकेशन के हेल्प से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है यहाँ पे स्कैन करके पा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपसे बताता हूँ कि आप जो है ज्यादातर कोशिश ये करिए कि आप खुद की कैलकुलेशन से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसका आप तभी यूज करिए जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे जो है अब मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, तब आप इन प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। देखिए फिलहाल मैंने एक टेम्पररी यहाँ पे क्वेश्चन भी जो है लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एज एग्जांपल इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू बताने वाला हूँ। हालांकि ये छोटा क्वेश्चन है, बट आप लेंथी क्वेश्चन को भी वहाँ पे सॉर्ट आउट करने के चांसेस मिल सकते हैं आपको उस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया तो कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लेना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं ये कोई जो है यहाँ पे स्पॉन्सर एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। ये मतलब मुझे लगा कि हाँ काफी हेल्प वाला एप्लीकेशन है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को मे भी हेल्प कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं भाई ये देख सकते हैं, जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सिंपली यहां पे इसको कट कर देना, ठीक है। जैसे आप इसको कट करेंगे तो यहां पे परमिशन को आपको दे देना, ठीक है। फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैं इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करता हूं, यहां से आपको जो है सिंपल बैक लेके जो है यहां पे परमिशन को दे देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने परमिशन दे दिया, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको जो है यहां पे स्कैन कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेट जो है होना, इंटरनेट का प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं मैं अगर रखता हूं यहां पे, इस क्वेश्चन को मैंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे जो है होम स्क्रीन में आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन आने के बाद भाई यहाँ पे आपको आंसर भी मिल चुका है, आंसर का पॉइंट भी और आंसर की वैल्यू भी आ चुकी है किस तरीके से सॉल्व किया गया। आप इसको यहाँ पे स्टेप करके बैक करके जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चेकआउट भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल गया है। अगर आप चाहते हैं भाई लेंथी क्वेश्चन, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने एज एग्जांपल आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करना तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब ये स्कैन का मेथड मिलता है, आप डायरेक्ट जो स्कैन करके कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की साइड में आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं थ्री डॉट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके बारे में सारी चीजें दी गई है, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे फ्लैश वगैरह ऑन करना है तो फ्लैश वगैरह भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे रिफ्रेश का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस रिफ्रेश करके जो है यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से डेफिनेटली तरीके से कर सकते हैं। तो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई होगी। अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। और कहीं ना कहीं भाई हो सकता है कि मे भी आपको फ्यूचर में जरूर से हेल्प कर सकती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।